जाको लाके साई या मार सके ना कोई। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सलमान खान ने डायलॉग बोला था रेसी फिल्म में, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। कलेक्शंस आ रहे हैं धबाधब, कलेक्शंस आ रहे हैं। 3 दिन भी नहीं हुआ, इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया है। और यहाँ पर इतना ही कहना चाहता हूँ भैया, ये सलमान खान है, इसकी फ्लॉप फिल्म भी अगर रहेगी ना तो 200 करोड़ के नीचे रुकने वाली नहीं है, ठीक है? सोचो अगर थोड़ी हिट हो गई तो क्या, या सुपर हिट हो गई तो कहां तक कलेक्शन जाएगा। हर फिल्म से, हर दिन से, हर एक दिन का भी कलेक्शंस का अगर देखो सलमान खान का, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर बनाता है। और जैसे सेकेंड डे का था, और सेकेंड डे खत्म होने ही आ रहा है, और ऑलरेडी इस फिल्म ने अभी 3 दिन खत्म भी नहीं हुआ है, इसे 100 करोड़ की कमाई कर ली है, और इस साल की ये छठी फिल्म बन चुकी है। जी हाँ, आपको बता दो, इसके पहले 5 फिल्में कौन कौन सी है। पहला नाम है पद्मावत का, दूसरा नाम है सोनू की टिट्टू की स्वीटी का, तीसरा नाम है रेड का, चौथा नाम है बागी टू का, पांचवा नाम है राजी का, और छठी हमारे सिकंदर की फिल्म रेसी है। तो भैया डाउट मत करना कि सलमान खान की फिल्म को आप कितना भी नेगेटिव रिव्यू दोगे तो फ्लॉप हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। और पहली बात, सबसे बड़ी बात, ये फ्लॉप इसलिए भी नहीं होगी कि फिल्म ठीक ठाक है। फिल्म बहुत अच्छी नहीं कह सकते आप, जिसको बहुत अच्छी नहीं लगी ठीक है, लेकिन फिल्म बहुत बुरी भी नहीं है, और ये आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जितने लोगों ने फिल्म देख के आए, और जिन्होंने साफ साफ ज्यादा लोगों ने यही कहा कि रिव्यूज सही में वाकई बहुत ज्यादा घटिया दिए गए, जितना आई थिंक नहीं दिए जाना चाहिए था, तो आई थिंक जनता जनार्दन ने सलमान खान को वापस से गले लगा लिया है, उनको वापस से सलाखों पर बैठा दिया है, और जो ईद का जो एक तोहफा सलमान खान ने एक फिल्म के जरिए दिया, लोगों ने वो प्यार से एक्सेप्ट कर लिया है। तो भैया कुछ भी कर लो, कुछ भी हेटर्स कर ले, ये फिल्म रुकने वाली नहीं है 200 करोड़ के नीचे, तो बिल्कुल कोशिश भी मत करो सोचने की, क्योंकि नहीं होने वाला है ऐसा, कि जिस हिसाब से फिल्म चल रही है धमाका कर रही है ऐसा लग रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 100 करोड़ भैया हो चुके हैं, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय।